हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं बना रही हूँ नींबू, अदरक और हरी मिर्च को मिलाकर एक अचार, जिसकी स्पेशलिटी है कि उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं पड़ा है, अचार और बिना तेल के। देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए मैं ले रही हूँ अदरक, हरी मिर्च, नींबू, काली मिर्च और काला नमक। मैं ये अदरक जो है सारा वॉश कर लूंगी अच्छी तरह से, किसी भी छलनी में डाल के इसको वॉश कर सकते हैं। ऊपर नीचे सारा अदरक धुलना चाहिए। अदरक के बाद हरी मिर्च वॉश करेंगे। एक साथ वॉश नहीं कर रही हूँ, अलग अलग वॉश कर रही हूँ ताकि एक दूसरे की जो इसमें डस्ट है वो लग ना जाए। अलग अलग मैं इनको वॉश कर रही हूँ। इसका जो ये पोर्शन होता है यहाँ पर डस्ट हो सकती है, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह वॉश करने देना है। तो थोड़ी देर रनिंग वाटर में इसको चलने देना है। ऊपर नीचे से सारी अच्छी तरह से वॉश कर लेनी पड़ेगी। ये जो ख़राब है इसको हम अभी काट देंगे। ये नींबू वॉश कर लिए। अब ये जो मैंने वॉश किए हैं तीनों चीज़ें, इनको मैं थोड़ी देर के लिए धूप लगा रही हूँ ताकि इनका एक्सेस वाटर जो है वो उड़ जाए, और उसके बाद मैं इन सबको कपड़े से भी पोंछने वाली हूँ। जबकि ये सारी चीज़ें सूख गई हैं तो मैं इनको लेकर एक साफ कपड़े से पोंछ कर रखती जाऊंगी दूसरी जगह। इसी तरह से हरी मिर्च में भी जो एक्सेस वाटर रह गया उसको मैं पोंछ रही हूँ। तो अब ये मेरे नींबू, हरी मिर्च और अदरक तीनों चीज़ एक्सेस वाटर से फ्री हैं, सूख चुकी हैं जितना मुझे इन्हें सुखाने की ज़रूरत थी। अब मैं ये अदरक को पीसेस में काट लूँगी। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं काटने क्योंकि ये अचार बन रहा है, तो थोड़े से बड़े पीस काटने हैं। इस तरह से पीस ठीक रहेंगे, थोड़े मोटे ही पीस काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो हरी मिर्च है इसको मैं सिर्फ चीरा लगाऊंगी। हरी मिर्च जो ये घूमी हुई होती है इस तरह से, इसको यहाँ से चीरा नहीं लगाना चाहिए, अंदर की तरफ से चीरा लगाना चाहिए। वो इसलिए कि जब अंदर से हम चीरा लगाएंगे तो ये खुल भी जाएगी और अपनी शेप भी ख़राब नहीं करेगी। अगर मैं इसको यहाँ से कट लगा दूंगी तो ये पूरी की पूरी खुल जाएगी, जो मुझे अचार में नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जिस शेप में टर्न है अंदर की तरफ, मैं वहीं पर इसको कट लगाऊंगी। ऊपर के हिस्से को नहीं काटेंगे ताकि ये जुड़ी रहे। और नींबू के पीसेस कर लेंगे। जो बड़े नींबू हैं उसके 4 पीस कर लेंगे, छोटे नींबू के 2 पीस कर लेंगे। और नींबू के जो बीज हैं इनको निकालना होगा। अगर एक दो बीज रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बीज जो हैं इसलिए निकालने ज़रूरी हैं, ये अचार को कड़वा कर सकते हैं और खाते हुए भी हमें ये निकालने नहीं पड़ेंगे, इसलिए इन बीजों को निकालना ही अच्छा रहता है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है निकालने में, आराम से ये नाइफ की जो टिप है उससे निकल जाते हैं। इस तरह से मैं इन तीनों को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये पूरा जार मेरा भर गया है, मैंने लेयर बाय लेयर इनको सबको इसमें डाला, ऊपर से मसाले डाले, काला नमक और काली मिर्च, और मिलाकर रख दिया। अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, लेकिन डेली मैं इसको थोड़ा थोड़ा शेक करती रहूंगी ताकि मसाला ऊपर के जो नीचे चला जाएगा इनके पानी से वो वापस इनमें लिपट जाए। और करीब 4-5 दिन बाद ये चीज़ें सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, तीनों नींबू, मिर्च और अदरक। 3 दिन बाद से ही आप इसको खाना भी शुरू कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा धूप में रख दोगे तो और जल्दी पक जाएगा। और ये हमारा मिक्स अचार बिना तेल के तैयार हो गया है। और इसको डेली आपको हिलाना होगा जब तक ये मसाला इसमें पूरा मिक्स नहीं हो जाता और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने तेल नहीं डाला है। अगर हमने तेल डाला होता तो ये डबल प्रिजर्व हो जाता, लेकिन ये अचार कोई भी डायबिटिक पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, अगर आपको फैट नहीं चाहिए फिर भी अचार खाना है तो ये बहुत हेल्दी अचार रहेगा ऐसे लोगों के लिए। लेकिन इसको रोजाना आपको एक बार शेक करना होगा जब तक ये पूरा मसाला इनमें लिपट नहीं जाता है। ये ट्रांसपेरेंट जार में इसीलिए डाला है कि हमें दिखाई भी देता रहेगा जैसे जैसे इसकी चीज़ें जो हैं सॉफ्ट होनी शुरू होंगी, मेल्ट होनी शुरू होंगी। इस अचार को तैयार करते हुए अगर आपके नेल्स या हाथ फिंगर्स ख़राब हो गए हैं ऐसा लगता है, तो हमारे चैनल के एक पिछले एपिसोड जिसका नाम है नेल केयर, जो आप लिंक में जाकर देख सकते हो, उसके थ्रू आप अपने नेल्स की और हैंड की केयर कर सकते हो और उसको मैनिक्योर का लुक दे सकते हो।
ये मेरा अचार तैयार हो गया जो मैंने आपके सामने बनाया, आपके साथ बनाया। और इस अचार में जो तीनों चीज़ें हैं, अदरक, हरी मिर्च और नींबू, ये तीनों का फ्लेवर जब मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये अचार बिना तेल के बनाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सालों साल नहीं रहेगा। ये अचार दूसरे अचारों की तरह आप जब तक चाहें रख सकते हैं, सिर्फ इसमें गीला स्पून नहीं डालेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है। तो आई होप आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। और बिना तेल के है तो स्पेशली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना चाहेंगे। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन अचारों में नहीं होती है, जैसे कि अदरक। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपके लिए रहेगी यूज़फुल। तो आप कीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।